सम्मानित मंच, उससे भी ज्यादा सम्मानित पंडाल, आज ये किसानों का हुजूम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस की विदाई तय है। और मेरे पूर्व वक्ता एक ही बात कह रहे थे कि तब से ये कांग्रेस 4 साल का जो इनका शासन रहा है उसमें किसी भी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा है, चाहे महिलाएं, चाहे किसानों, चाहे युवा वर्ग हो, सभी वर्गों को परेशान करने का काम किया है। और दलितों के ऊपर अत्याचार तो और बलात्कार के मामले में कई बार गहलोत जी कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन नंबर 1 वास्तव में वो हैं। और ये मैं नहीं कहता, आंकड़े इस बात का सबूत है कि क्राइम में नंबर 1 राजस्थान सरकार है, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। और हमारे नेता इस मंच पर बैठे हैं, जब ये खड़े होकर बोलते हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, तब कांग्रेस से एक ही सवाल करते हैं कि आपने इन 4 साल में आप अपनी उपलब्धियां बताएं, तो बगले झांकते हैं। और कोई भी बात हम पूछते हैं किसी मंत्री को कहते हैं तो कहते हैं कि बजट की उपलब्धता नहीं है, बजट उपलब्ध होगा तब काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि यह सरकार बहुत जल्द विदा हो? और आज मैं ये देख रहा हूं कि जितने लोग अंदर हैं उतने ही बाहर घूम रहे हैं, शायद गर्मी है और लेट भी हो रही है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शेखावाटी अब की बार मन बुना चुकी है। पिछली बार मैं मानता हूं कि हम तीनों जिले से हमने 4 MLA दिए थे, लेकिन वो घट के 3 रह गए थे। अब की बार जिस तरह का जोश आप लोगों में है, निश्चित रूप से आपने ठान रखी है कि आप कांग्रेस का सफाया आज करके जाएंगे। इस सीकर की धरती लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि जब तक इस कांग्रेस की विदाई नहीं होती हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह आपके चरणों में मैं आग्रह करने आया हूं। अभी बाजरे की खरीद हो रही थी तो बाजरे की बात चल रही है। हम हरियाणा प्रदेश से सटे हुए हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा हरियाणा की टच करता है, तो हमें मालूम है कि हमारा बाजरा 1650 रुपए बिक रहा है। अविनेश जी कह रहे थे ना कि राजस्थान बाजरे के उत्पादन में सबसे अव्वल है और उसके साथ यह अन्याय हो रहा है। इसलिए आज हमारे नेता इस बात के लिए आपके सामने संकल्प लेंगे और हम विधानसभा में भी, अगर विधानसभा, मेरे को नहीं लगता है कि विधानसभा चलेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है ये विधानसभा शायद पहले ही भंग हो जाए। तो मैं पुनः, क्योंकि मंच पर अतिथि बहुत ज्यादा हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं मंच के रात के बीच में ज्यादा बीच में नहीं रहकर आपको पुनः ये आग्रह करना चाहूंगा कि आज आप ये संकल्प लेकर जाएं कि किस तरह से जन विरोधी सरकार उखड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।